वेलकम गाइस, मैं पवन जेपीएस एंटरप्राइजेस में आपका स्वागत है। बैठ लिया जाए इत्मीनान से बातचीत करने के लिए, ज्यादा अच्छा रहता है कि सब चीजों का विस्तार से वर्णन करने के लिए हम लोग जो है काम स्टार्ट करते हैं। एक बिल्ट हम लोगों को लखनऊ से दिया गया है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ये बिल्ट है। लखनऊ में भी दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप पीसी बिल्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और वर्किंग के लिए वो किसी भी जगह समझौता नहीं करते हैं। ये उसी में से एक बिल्ट है जो i9 के साथ में, 32 GB रैम के साथ है, 4080 सुपर ग्राफिक कार्ड के साथ है, 1000 वाट सप्लाई यूज़ की जा रही है, Z790 मदरबोर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि क्वालिटी से कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। और वर्किंग क्या है, माया 3D एनिमेशन और सारे इस तरीके के हैवी रेंडर्स, क्योंकि इनके यहाँ वॉल्ट डिज्नी और मार्वल्स इनसे रिलेटेड ये थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट वर्क उठाते हैं थर्ड पार्टी के रूप में और अपने आप वर्किंग कराते हैं। तो ये सारे वर्क और बाहर से कुछ अपने प्रोजेक्ट वर्क, करेक्टर एनिमेशंस और थोड़ा इंस्टीट्यूशंस पे भी इन्होंने अभी क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो इस तरीके की कंपनी जब अपने लिए बिल्ट बनवाती है तो उसके स्पेक्स क्या रहेंगे वो मैं दिखाता हूँ वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपना जो है इनके CPUs के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि RGB इनको चाहिए ही नहीं होती है। अब जो हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले कैबिनेट का आपकी ज्ञान की बात में एक रिव्यूज डाला था, CX300 एनटेक की ये कैबिनेट जो है, इसके अंदर क्या है कि चार फैन जो आउटटेक का है और ये इनटेक के हैं। ये चार फैन जो यूज होने जा रहे हैं, इनके साथ अच्छाई क्या है कि ये RGB फैन है और आप एक बटन से इनके RGB बंद कर सकते हो और जब मर्जी हो तो ओपन कर सकते हो। तो ये इनके मूड के ऊपर डिपेंड रहेगा कि RGB अगर ये चाहते हैं तो दिखाएं। मैक्सिमम टाइम पे इंस्टीट्यूशन में RGB का कोई वर्क नहीं होता और मैक्सिमम टाइम पे उसको क्लोज रखते हैं, तो ये अपना इसको बंद भी रख सकते हैं। क्योंकि कैबिनेट पे ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना होता है इंस्टीट्यूशन को, उनकी मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कैबिनेट बड़ा होना चाहिए, वेंटिलेशन के साथ होना चाहिए, फैन होने चाहिए, एग्जास्ट के रूप में होने चाहिए, ना कि RGB होने चाहिए। 4000 रुपए के अंदर ये कैबिनेट इनकी ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी, इस वजह से इस कैबिनेट को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। प्रोसेसर इनके यहाँ मैंने पहले भी जब दिए तो i7 i9 से नीचे लेते नहीं है। इनको मैंने जब पहली बार कोटेशन दी थी तो एक महीने पहले दी हुई थी, तो उस टाइम 13900K का जो प्राइस था वो 53,000 था। अभी जब कोटेशन बना के भेजी तो वो 44,500 हो गया। तो कहता है कि ये क्या भैया, एक में आपने 53 लिखा है, एक में 44,500 लिखा है, ये गलती से लिख दिया गया। लेकिन ये चमत्कार इसी मंथ में हुआ है, एकदम से इंटेल ने क्या किया, 13 जनरेशन के जो प्रोसेसर थे उसके प्रोसेसर के प्राइस जो है वो डाउन कर दिए। जैसे चाहे 13700K हो चाहे 13900K हो, इन दोनों के प्राइस को बहुत अच्छा कट किया है। इस वजह से अब कस्टमर्स के पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि 12th जनरेशन के अलावा 13 और 14 के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकें। 13900K भी 24 कोर का प्रोसेसर है और ये ज़्यादा इस्टेब्लिश रहा 14900K की बजाय। मैंने 5-6 प्रॉब्लम्स फेस की तब से मैंने 14900K तो अभी एक बार भी लगाने की हिम्मत नहीं की है, 13900K पे ही इसीलिए मैंने सजेशन भी दिया और 13900K के साथ अभी भी जा रहा हूँ जब तक वहाँ से पूरी तरीके से एक हरी झंडी ना आ जाए और जिसमें ये मेंशन हो जाए कि हाँ हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम अब दूर हो गई और रेंडर करते समय वो 80, 85 और 90 डिग्री अगर जा भी रहा तो जैसे ही रेंडर ख़त्म हो तो वो अपने आप डाउन हो जाए। अगर ये फीचर्स उसके अंदर अब अवेलेबल हो गए हैं और BIOS लेटेस्ट आ गई है और ये वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है तो बिल्कुल मैं उसके साथ जाने के लिए रेडी हूँ, उसके पहले नहीं। तो अपना सबसे पहला प्रोडक्ट जो है 13900K है। दूसरा जो मदरबोर्ड है इसमें यूज़ करेंगे हम लोग Z790 Aorus Elite AX Ice, मतलब 4 RAM स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ और 4 M.2 NVMe, ये सारे ऑप्शंस के साथ आने वाला ये मदरबोर्ड इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। जितना इनको चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ये लेकर चल रहे हैं, कमी ना होने पाए कि कभी इशू हो। इनका एक बार मेरे को इस तरीके का इशू पड़ा था, प्रोसेसर यूज़ हो गया था 10700K उसमें मदरबोर्ड जो लेके चल रहे थे B560 यूज़ कर रहे थे। B560 यूज़ करने में इनके यहाँ क्या हुआ कि कभी कभी वो एकदम से किसी टाइम पे रेंडर डालते समय लैग कर जाता था, रुक जाता था, वो 5 से 10 सेकंड के बीच की लैकिंग होती थी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। जैसे हम लोगों ने बोर्ड चेंज किया उसके बाद से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब है कि अच्छे प्रोसेसर अगर यूज़ करने हैं तो थोड़ा सा बजट इंक्रीज करते हुए अच्छे बोर्ड को भी ले लिया जाए। इसका और मीडियम साइज के बोर्ड का कुछ डिफरेंस जरूर है, लेकिन वो जब हैवी वर्किंग होती है और कुछ टाइम बीत जाता है तब आपको वो डिफरेंस मेन समझ में आता है। नॉर्मल वे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है कि आप 13900K को 20760 पे यूज़ करने जाएं तो वो कोई दिक्कत नहीं करने जाएगा,
लेकिन कभी अगर आपने हैवी वर्क कुछ भी किया तो हो सकता है उस जगह परफॉर्मेंस में 19-20 जरूर हो जाए। तो अगर बजट अलाउड करता है तो बिल्कुल आप जेड सीरीज के साथ जाएं, चाहे थोड़ी सस्ती चाहे थोड़ी महंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी तक इनके यहाँ इंस्टीट्यूशन में एक भी कार्ड नहीं गया था, इन्होंने इस मशीन को अपने फीचर रिलेटेड बनाया है, RTX 4080 सुपर। ये सीरीज जो है 16GB के वेरिएंट पर आई थी, और अच्छी चीज़ क्या है इसके अंदर जो NVIDIA कह रहा है वो क्या है, कटिंग एज आ गया है, रियलिस्टिक एंड इम्प्रेसिव ग्राफिक आया है, AI एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस आई है, गेम विनिंग रिस्पॉन्स आए हैं, बिल्ट फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, AI इनहेंस्ड किया गया वॉइस एंड वीडियो के लिए, फास्ट ट्रैक योर क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, ये सभी चीज़ों पे वर्किंग की गई है 4080 सुपर पे पहले वाले कार्ड के अपेक्षा। जो लोग पहले 4080 यूज़ कर रहे थे उससे बेटर कार्ड आज के टाइम पे 4070 Ti सुपर हो गया है, और ये 4080 सुपर होते ही 4080 से और बेंचमार्क्स में आगे चला गया। तो इसी वजह से इस ग्राफिक कार्ड को इस बिल्ट में यूज़ किया जा रहा है कि ज़्यादा हाई से हाई परफॉर्मेंस निकले, और गेमिंग से रिलेटेड जब करेक्टर एनिमेशंस और वर्किंग चल रही हो, मैथ 3D एनिमेशंस वगैरह पे वर्किंग की जा रही हो, तो रेंडरिंग जितनी फास्ट हो जाए उतना अच्छा रिस्पांस रहेगा। इसलिए 4080 सुपर को इस बिल्ट में यूज़ किया जा रहा है। अब हम लोग तीन प्रोडक्ट पे जा चुके हैं, 13900 के Z790 मदरबोर्ड, 4080 सुपर। अब तीन प्रोडक्ट को मिला के नियर अबाउट ये 1.5 लाख के अबाउट तो पहुँच ही चुके हैं। अब इसके आगे पहुँचते हैं अपने पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई एक ऐसा सेगमेंट रहता है जिसमें हमेशा से मैंने कोशिश की है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 450 वाट है तो 550 यूज़ करें, 550 है तो 650, थोड़ी सी पावर कंजम्पशन अप रखनी चाहिए, डाउन नहीं रखनी चाहिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने जाता। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग RME सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं 1000 वाट की इसमें, जिससे पावर का कोई भी इशू नहीं आने पाए, और कोर्चर ने अब तक इस उम्मीद पर पूरी तरीके से परफेक्ट रहा है, कभी अभी तक कोई भी इशू नहीं मिला है। इसके साथ में हम लोग लिक्विड कूलर जो यूज़ कर रहे हैं, ML360 LARGB लिक्विड कूलर को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। 3 फैन का एडिशन होता है, ARGB के साथ सिंक्रोनाइज हो सकता है, ARGB है इसलिए हम चाहें तो इसके फैंस रन करते रहेंगे, ARGB से कलर्स को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन लेके चला जा रहा है कि मैक्सिमम टाइम पे RGB को ना शो किया जाए। इस वजह से क्या किया जाएगा कि अगर कभी ज़रूरत है तो ओपन कर सकते हैं, नहीं तो कलर्स को ऑफ करके भी वर्किंग प्रॉपर की जा सकती है। ये हो गया अपने मेन पार्ट। अब इसमें जो स्टोरेज के रूप में अभी सिर्फ क्रूशियल की 1TB की NVMe यूज़ की जा रही है, P3+, ये Gen4 आर्किटेक्चर पर है, इसको ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। इनके पास स्टोरेज ऑलरेडी अवेलेबल है हार्ड ड्राइव के, इसलिए इनको एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी 32GB की सिंगल RGB रैम नहीं यूज़ की जा रही है, 32GB की कोर्चर की नॉन RGB रैम यूज़ की जा रही है, जो 5200 MHz पर है इस बिल्ड को कम्प्लीट करने के लिए। अब इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए पहले बिल्ट को रेडी कर लेते हैं, और रेडी करने के बाद देखते हैं कि लास्ट लुक की नॉन RGB हम लोग बिल्ट ये रेडी करेंगे। फीचर्स होते हुए भी उनको मैक्सिमम ऑफ रखना है, और कंप्लीट करना है एक पावरफुल PC और रैम की जिसमें एक्सपेंडेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन सभी चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति इस सिस्टम के द्वारा हो सकती है, और हम लोग बस इसको फटाफट अब रेडी करने का काम करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी ये इनको हम डिलीवर भी कर सकें, क्योंकि ये लेने नहीं आते, इनके इंस्टीट्यूशन में हम लोगों को भेजना ही पड़ता है। तो फटाफट काम पे लग जाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में बिल्ट होने के बाद। Thank you.
गाइस जिस बिल्ड की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। और जो इस कैबिनेट का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा है वो इसका स्विच व्यवस्था है। आरजीबी कैबिनेट है, लेकिन जो लोग आरजीबी नहीं चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आपको ये बटन प्रेस करना है और आरजीबी गायब। चारों फैन जो है आरजीबी से ख़त्म हो गए, लेकिन ये लिक्विड कूलर जो लगा है ये 360 एआरजीबी है, ये इस बटन से नहीं जाएगा। तो इस गलत फहमी को बिल्कुल मत समझिएगा कि ये वाले फ़ैन भी आपके बंद हो जाएंगे, वो नहीं बंद होंगे। वो ऊपर से लगे हैं तो इतना डिस्टर्ब नहीं करने जाएंगे। जब एडिटर वर्किंग करता है तो उसके ठीक सामने जब इस तरीके के फ़ैन होते हैं तो वो उसे डिस्टर्बेंस देते हैं। ये उस व्यवस्था को ध्यान में रख के बनाया गया है कि अगर आपको इस लाइट को बंद करना है तो आपने एक स्विच दबाया और लाइट बंद हो गई, और जब अपनी एडिटिंग कर लीजिए और गेमिंग मोड पर आने का मूड रहे तो इस लाइट को फिर से स्टार्ट कर लीजिए। हो गया एक चमत्कार, एक ही बटन पे सारे काम आपके हो जा रहे हैं प्रॉपर वे में। और अब आ जाते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। अपना 360 लिक्विड कूलर देखिए प्रॉपर वे में फिट हो गया है। कैबिनेट है जिसके अंदर 360 लिक्विड कूलर लगने का ऑप्शन मिल रहा, तीन फैन आरजीबी के मिल रहे हैं, चार फैन आरजीबी के मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए तो इसमें 7 फैन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। और डबल चैम्बर की कैबिनेट का जो लोग लुत्फ लेना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक उसी तरीके की फीलिंग देने में भी कैपेबल है। 4080 सुपर ग्राफिक कार्ड ड्राइवर आप देख सकते हो। एनवीडिया इंस्टॉलर हैज़ फिनिश्ड, कंप्लीट हो गया। रिस्टार्ट के लिए ऑप्शन मांग रहा है, इसलिए इसके सारे ड्राइवर भी कंप्लीट हो चुके हैं, मदरबोर्ड के भी ड्राइवर कंप्लीट हो चुके हैं, और जितने सॉफ्टवेयर करीब करीब चाहिए थे बेसिक टेस्टिंग के लिए वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसको ऐसे ही पैक करेंगे और इसे तुरंत लेके निकाल देंगे, क्योंकि ये पैकिंग के लिए नहीं जाना है, सिर्फ उठाना है, पैक करना है, गत्ते में जो इसके उसको डालना है और लेके निकल जाना है। इससे ज़्यादा वर्किंग नहीं है। फिर से एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। 13900 के प्रोसेसर है, साथ में Z790 Aorus Elite i सीरीज़ का मदरबोर्ड है। उसके बाद इसमें जो ग्राफिक कार्ड है RTX 4080 सुपर है, तीन फैन का एडिशन है, इसको इंक्लूड किया गया है। RM1000 सीरीज़ की 1000 वाट की SMPS है, 1TB की Gen 4 NVMe, साथ में 360 का लिक्विड कूलर और चेक कैबिनेट। इतना पोर्शन कंप्लीट देना था वर्किंग के लिए और ये पूरी तरीके से ओके हो चुका है। अब इसको भेजने की प्रथा पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से वीडियो को क्लोज करते हैं और फटाक से इसको पैक करने के लिए निकालते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ नए कंटेंट, नए वीडियो और नए हार्डवेयर के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।